हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। गाइज, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग किया था एंड एक सप्ताह से ज्यादा यूज करने के बाद इसका रिव्यू, इसके परफॉर्मेंस कैसा है, इस सब चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे ये है आपका MSI का ब्रेवो 15, 8GB रैम है एंड 512GB SSD है। आप जो ये स्क्रीन देख रहे हो, ये 144Hz का रिफ्रेश रेट के साथ है, फुल HD है एंड इसका आप बैकलिप देख लीजिए। और भी चीजें हैं जो आप वीडियो में आप देखोगे एंड प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये डिवाइस कैसा लगा। वैसे प्राइस मैं बता दूं, 50,000 से कम में आपको मिल जाएगा। सो मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा आपको ये डिवाइस कैसा लगा। सो गाइज, रिकॉर्डिंग तो मैंने पहले कर लिया था लेकिन मैं एडिट नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ एंड वीडियो डिले हो गया। लेकिन अब वीडियोज आते रहेंगे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ, इनके रिव्यू के साथ मैं जल्द हाजिर होऊंगा। सो बाकी बातें हम बाद में करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस डिवाइस, जो कि है आपका MSI का ब्रावो 15, एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप, 50,000 के अंदर गेमिंग लैपटॉप है। मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस उसके बारे में बात करेंगे। बिल्ड एंड डिज़ाइन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, जब मैंने इसको अनबॉक्सिंग किया था। वीडियो का लिंक ये रहा, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। वैसे डिज़ाइन जो है गेमिंग लैपटॉप जैसा है, इसमें MSI का ब्रांडिंग तो नहीं है लेकिन ब्रावो का ब्रांडिंग के साथ है। वेट की बात करें तो थोड़ा हैवियर साइड था, 2.3 kg का है। बिल्ड प्लास्टिक का है, अंदर में रेड बैकलिट के साथ है, जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब बात करने वाले हैं कैसा रहा इसका परफॉर्मेंस, उससे पहले जान लेते हैं इसमें पोर्ट्स कितने हैं या कनेक्टिविटी क्या है। तो वाईफाई 6 के साथ है, लेफ्ट साइड में DC का चार्जिंग पोर्ट है, USB A जनरेशन 3.2 एंड 2.0 के साथ है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में 3.5mm का जैक है, USB A, USB C, HDMI पोर्ट एंड LAN पोर्ट है। डिस्प्ले 15.6 इंच का है, जिसमें आपको मिल जाएगा 144Hz का रिफ्रेश रेट। आप अगर वीडियो देख रहे हो, किसी भी एंगल से देखोगे, आराम से आपको दिखेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस वीडियो क्वालिटी की बात कर ही रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं कैसा क्वालिटी है। वैसे ये मेरा लेटेस्ट वीडियो आप चेक कर सकते हो, MX Master 3 का मैंने जो रिव्यू किया था उसका है। स्क्रीन ब्राइटनेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंडोर हो या आउटडोर हो, आपको जो इसका ब्राइटनेस है इसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा आपको लगेगा कि कम है, लेकिन आप अगर इंडोर यूज करते हो तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। एंड ये रहा इसका ऑडियो क्वालिटी। Now let's talk about कि इसका ये कैमरा कैसा है। 720p का है, तो चलिए देख लेते हैं इसके वेबकैम का क्वालिटी कैसा है। So, जैसा भी आपने देखा, गेम भी अच्छा काम करता है, स्क्रीन भी अच्छा है, रिफ्रेश रेट भी अच्छा है, वैसे कैमरा कैसा है वो भी देख लेते हैं। So, ये रहा इस कैमरे का वेबकैम कैसा क्वालिटी का है। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो, ये है इसके वेबकैम का क्वालिटी, तो 720p में है एंड ये आप इसका ऑडियो क्वालिटी भी कैसा है आप सुन सकते हो एंड ये है इसका वीडियो क्वालिटी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, मुझे ये वेबकैम के बारे में प्लीज कमेंट में बताइएगा एंड चलिए देखते हैं और क्या क्या है इस डिवाइस में, जानते हैं इस वीडियो में। फुल HD डिस्प्ले है एंड लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको बेजललेस सा फील होता है, मतलब स्लिम है। ऊपर साइड में आपको वेबकैम का कैमरा दिया हुआ है एंड उसका भी टेस्ट मैंने किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा बेजल ज़्यादा दिखता है, लेकिन डिस्प्ले बहुत अच्छा है। गेम खेलते वक्त या वीडियोस देखते वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो कीबोर्ड एंड टच पैड की बात करें तो एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा रहा। टच पैड में आपको जेस्चर सपोर्ट भी मिलता है, जो कि आपको ट्रैक पैड, मैजिक ट्रैक पैड में देखने मिलता है, वैसा सपोर्ट इसमें भी देखने मिलता है। इसमें आपको राइजन 5 5600H मिल जाता है, मतलब परफॉर्मेंस के लिए है। 8GB रैम है, 512GB स्टोरेज है, डेडिकेटेड 4GB ग्राफिक्स है, मतलब आपका आराम से गेम खेल पाओगे, एडिटिंग कर पाओगे, मतलब परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब परफॉर्मेंस की बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि कूलिंग सिस्टम कैसा है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है। सो इसमें आपको डुअल फैन सेटअप मिलता है एंड उसमें आपको साथ ही साथ मिलता है 6 हीट पाइप्स, मतलब बहुत बेहतर तरीके से आपका MSI ने इस डिवाइस को बिल्ड किया है। मतलब अगर आप परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हो, लंबा यूज़ कर रहे हो, तो आपका डिवाइस बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाएगा, यूज़ अच्छा समय तक कर पाओगे, लंबे समय तक कर पाओगे। अब ये बहुत सही काम करता है, क्योंकि मैंने यूज़ किया लंबे समय से गेम खेलते वक्त एंड मुझे हीटिंग का कोई इशू नहीं दिखा। हाँ, हीट होता है,
आपका गेम खेलते वक्त, लेकिन उतना ज़्यादा इशू देखने नहीं मिलता है। बैटरी की बात करें तो 4 घंटे से ज़्यादा मुझे बैकअप टाइम देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छा था। सो कह सकते हैं कि राइजन का प्रोसेसर ने ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम नहीं किया, प्लस 150 वॉट का इसमें चार्जर मिलता है जो बहुत जल्दी इसके बैटरी को चार्ज कर देता है। रेस्ट डिवाइस को मैंने यूज़ किया है, लंबे समय से यूज़ किया, एडिटिंग मैंने किया है, गेम खेले हैं, आपके मूवीज़ देखे हैं एंड और भी चीज़ों में मेरे भाइयों ने भी यूज़ किया एंड हमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम देखने नहीं मिला। सो अगर आपका 50,000 के अंदर बजट है, आप एक गेमिंग लैपटॉप देखना चाहते हो, सो आपके पास राइजन 5 का इस वाले में आपका MSI ब्रावो में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे। आप बजट बढ़ा के रैम भी बढ़ा सकते हो, स्टोरेज भी बढ़ा सकते हो, सो इट्स अप टू यू। सो गाइज, ये था आपका MSI का ब्रावो 15, 8GB रैम है, 512GB स्टोरेज है। व्हाट डू थिंक अबाउट दिस डिवाइस, मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। एंड अगर आप ये लेना चाहते हो तो मैंने इसका बाइंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर चेक कर सकते हो। मैं हूं इकीदीप एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल दीप चेक। मिलता हूं दूसरे वीडियो में दूसरे प्रोडक्ट के साथ, तब तक ले ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। एंड ये था आपका MSI का ब्रावो 15।